सोनभद्र जिले में उस वक्त प्रशासन के हाथ पांव फूल गए जब मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या के बाद जिले के शिक्षकों ने हाई स्कूल और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन का बहिष्कार करते हुए जमकर नारेबाजी किया। वहीं मामलों में शिक्षकों ने नाराजगी जताई और शिक्षक बोर्ड परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन ठप कर हड़ताल पे बैठ गए। लोगों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। बता दें कि मुजफ्फरनगर में शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या किए जाने से शिक्षक संघ उग्र हो गया है। सोमवार को जिले के माध्यमिक शिक्षक ने बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य ठप कर दिया। कार्य बहिष्कार कर दोनों मूल्यांकन केंद्रों पर जमकर नारेबाजी की गई। वहीं आरोपी पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई और मृतक के परिजन को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की गई है। संतोष कुमार मौर्य, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ सोनभद्र के जिला मंत्री हूँ। मेरे दो शिक्षक भाई बनारस के दो आरक्षियों के साथ, पुलिस आरक्षियों के साथ और दो चपरासी के साथ वो मुजफ्फरनगर की तरफ वो रवाना हुए थे पुलिस मूल्यांकन कापी को जमा करने के लिए। और उसमें एक पुलिस कर्मी ने हमारे भाइयों पे पूरे अपने गोलियों को उतार दिया, सीने में उतार दिया, पूरा उसकी जो शरीर छिलनी हो गई और वहीं घटना स्थल पे वो मर गया। हम लोग चाहते हैं कि उसे न्याय मिले और पूरा शिक्षक जो है समाज आक्रोशित है और इस तरह से घटना से ये शिक्षक में आक्रोश आ गया है कि हम कोई भी कार्य पुलिस के निगरानी में जो करते हैं, पुलिस हमारे साथ है, पुलिस हमारे सुरक्षा में है, बताएं हम कहां सुरक्षा महसूस करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे आगामी जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जो ड्यूटी लगेगी उसमें हम भाई हमारे शिक्षक भाई जाएंगे पीठासीन बन के, अन्य कर्मी बन करके हमारे वो साथ जाते हैं। अब वो हम क्या समझें कि हम सुरक्षित हैं? हम बिल्कुल उनके साथ सुरक्षित नहीं हैं। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमारा मांग ये है कि जो ये पुलिस कर्मी है, अब बताइए वो नशा खा रहे हैं, नशा के लिए अगर मना किया जाता है, सुर्ती मांगते हैं, अगर दारूबाज करते हैं, दारू खरीदने के लिए हम मना करते हैं, दारू पीने के लिए मना करते हैं तो हमारे ऊपर गोली चलाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे दहशत में हैं कि हमारे सुरक्षा में हो जाते हैं, हम अपने को सुरक्षा कैसे महसूस नहीं। आज आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसका क्या मतलब है? हम शिक्षक बंधु जितने हैं वो ये चाहते हैं कि मूल्यांकन कार्य बहिष्कृत रहेगा, क्योंकि इसी स्थिति में हुआ है और हम लोग पे जब तक न्याय नहीं होगा तब तक मूल्यांकन कार्य शुरू नहीं होगा।